ऐश्वर्या राय बच्चन की तरह साउथ फिल्मों से डेब्यू करने वाली कई एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने बॉलीवुड में खूब नाम कमाया। वहीं साउथ की कई ऐसे सुपरस्टार एक्ट्रेसेस हैं जिनका करियर बॉलीवुड में फ्लॉप रहा। आइए आज के इस वीडियो के जरिए नजर डालते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में उन्हीं अभिनेत्रियों की जो साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भले ही हिट रही हो लेकिन बॉलीवुड में बिल्कुल फ्लॉप रही हैं। नंबर वन पर बात करते हैं रंभा की। रंभा साउथ की सुपरस्टार एक्ट्रेस थी। रंभा ने सलमान खान के साथ जुड़वा फिल्म से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। पहली फिल्म सुपरहिट होने के बाद रंभा का बॉलीवुड करियर ही फ्लॉप हो गया। नंबर दो पर बात करते हैं काजल अग्रवाल की। काजल अग्रवाल भी साउथ फिल्म इंडस्ट्री की सुपर स्टार एक्ट्रेस हैं। अजय देवगन के साथ फिल्म सिंघम से अपना बॉलीवुड डेब्यू करने वाली काजल का हिंदी सिनेमा में करियर फ्लॉप ही रहा। हालांकि काजल अग्रवाल हाल ही में मां बनी हैं और इस वक्त वो अपने मदरहुड को एंजॉय कर रही हैं और अपनी अपकमिंग फिल्मों को लेकर भी वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। नंबर तीन पर बात करते हैं बाहुबली जैसी फिल्में दे चुकी एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया की, जिनका बॉलीवुड करियर अब तक फ्लॉप ही रहा है लेकिन फिर भी तमन्ना इंडस्ट्री की डिमांडिंग एक्ट्रेस की लिस्ट में शुमार होती हैं। नंबर चार पर बात करते हैं साउथ की सुपरस्टार एक्ट्रेस पूजा हेगड़े की, जिन्हें ऋतिक रोशन के साथ फिल्म मोहनजोदाड़ो में देखा गया था। आपको बता दें कि इसी फिल्म से उन्होंने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया था। पूजा अपनी खूबसूरती के चलते इंडस्ट्री में अपनी खास जगह तो बना पाई लेकिन इंडस्ट्री में वो मुकाम हासिल नहीं कर पाई जो उन्होंने साउथ फिल्म इंडस्ट्री में कर लिया है। हालांकि एक्ट्रेस पूजा हेगड़े साउथ फिल्म इंडस्ट्री की हाइएस्ट पेड एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार होती हैं। इस लिस्ट में नंबर पाँच पर बात करते हैं त्रिशा कृष्णन की। त्रिशा कृष्णन ने अक्षय कुमार के साथ खट्टा मीठा से बॉलीवुड में डेब्यू किया। बॉलीवुड में त्रिशा का करियर अभी तक फ्लॉप ही रहा है। नंबर छः पर दोस्तों बात करते हैं श्रिया सरन की। हाल ही में ट्रिपल आर में नजर आई श्रिया सरन साउथ की सुपरस्टार एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार हैं लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री में उनका करियर फ्लॉप रहा है। वेल इस लिस्ट में आखिरी नंबर पर बात करते हैं शांति प्रिया की। अक्षय कुमार के साथ फिल्म सौगंध से अपना बॉलीवुड डेब्यू करने वाली शांति प्रिया का करियर भी फ्लॉप ही रहा है। तो दोस्तों आपने देखा कि जो अभिनेत्रियाँ साउथ फिल्म इंडस्ट्री में दमदार अभिनेत्रियों की लिस्ट में शुमार है, हाईएस्ट पेड अभिनेत्रियों की लिस्ट में शुमार है, वो असल में बॉलीवुड इंडस्ट्री में फ्लॉप हो गई हैं। वेल आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इन अभिनेत्रियों के बारे में आपका क्या कहना है और इनमें से आपकी पसंदीदा अभिनेत्री कौन सी हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही चटपटी और मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।